हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल पर ये मेरी पहली एसएसबी के ऊपर वीडियो है। तो एसएसबी इंटरव्यू में जब रिपोर्ट करने चाहते हैं तो कौन कौन से फॉर्म दैट आर नीडेड इन एसएसबी, सो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप एएफएसबी का रिजल्ट आप देखते हैं, वहीं पर डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स का लिंक होता है, वहाँ से आपके चार फॉर्म डाउनलोड हो जाएंगे, जिसमें डिक्लेरेशन फॉर्म, कोविड अंडरटेकिंग, क्वेश्चन आयर, लेकिन दो फॉर्म जो कि इम्पोर्टेंट हैं, एग्जैक्टली तीन, वो डाउनलोड नहीं होते। उसके लिए एक मेल आता है, उसमें वो फॉर्म दिए होते हैं, तो आपको वहाँ से वो निकालने होते हैं। तो वो है इंडेमिटी बॉन्ड, वो पहले दिन ही यूज होता है, तो वो बहुत जरूरी है ले जाना। दूसरा होता है आपका कोर्स कम परसेंटेज सर्टिफिकेट, और तीसरा होता है बॉडी टैटू सर्टिफिकेट। तो वो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं। सबसे पहला फॉर्म हमारा होता है डिक्लेरेशन फॉर्म। सो डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट ऑफ किन में लिखना होता है अपना फादर या मदर का नेम, और यहाँ पर उनका रिलेशन, जैसे फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, अपन और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपको खाली छोड़ देना है। चेस नंबर फेज़ वन, चेस नंबर फेज़ टू, बाकी यहाँ को यस और नो पर आपको टिक करना है। इनमें से बॉडी टैटू, आर्म फोर्स या जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है तो उस पर यस, अदरवाइज नो पर आपको क्लिक कर देना है। अपना एफ कैट या यू पी एस सी रोल नंबर जो भी है वो आप भरें, बैच नंबर आपको वहीं पता चलेगा, ये अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो भरें, अदरवाइज टिक ना करें, उस पर लिखा हुआ है। डीओबी आपको भरनी है, अपना नाम भरना है, यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन के बारे में जो क्वालिफाई एग्ज़ाम है उसमें बताना है, आप अपीयर्ड हैं, अपीयरिंग हैं, पास हैं, उसका परसेंटेज बैकलॉग है या नहीं वो, और यहाँ पर आपको येस और नो में बताना है कि आप स्पेक्स पहनते हैं या नहीं। अगर आपने पहले कभी एएफएसबी, एसएसबी कुछ भी दिया है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। अगर आपने नहीं दिया, फ्रेशर हैं, तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे। या आपने सीपीएसएस दिया है या नहीं दिया है ये बताना है, तो नहीं दिया तो नो पर क्लिक कर देंगे। बाकी आप अपना यहाँ पर डेट, सिग्नेचर, डेट वो जो आपकी एसएसबी वाली है, एफएसबी वाली है, वो आपको यहाँ डालनी है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और ये फॉर्म ख़त्म हो जाता है। तो कैंडिडेट क्वेश्चनायर में आपको अपनी पर्सनल डिटेल नॉर्मल है, जो कि बोर्ड आपको 4 FSB, 1 FSB, 3 FSB, जो भी है 2 FSB, वो आपको डाल देना है। बैच आपको वहीं मिलेगा, नेम, UPSC FCAT रोल नंबर, DOB, हाइट एंड वेट, यहाँ पर आपको डालना है आपकी कौन सी एंट्री है। इनमें से जो भी एंट्री आपने ली है, जैसे FCAT एंट्री ली है तो FCAT एंट्री पर क्लिक करना है। कौन किस ब्रांच के लिए आपने डाला हुआ है तो वो आपको भरना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, मैक्सिमम प्लेस और परमानेंट प्लेस सेम है तो आपको सेम भर देना है। यहाँ पर आपको अपनी मैट्रिक 10th की डिटेल डालनी है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट, सैनिक, मिलिट्री। यहाँ पर आपको अपना बोर्ड बताना है कि आपने किस बोर्ड से क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, डिवीज़न लिखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही 12th का और ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, नहीं किया है तो इसको खाली छोड़ देना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल अपनी देनी है, अगर आप एम्प्लॉई हैं कहीं पर, आपने एम्प्लॉयमेंट ली हुई है तो वो डिटेल आपको इधर देनी है। एनसीसी एक्सपीरियंस, अगर आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी का एक्सपीरियंस आपको बताना है। और पेरेंट गार्जियन की डिटेल के बारे में आपको बताना है, पेरेंट आपके क्या करते हैं। तो जो नंबर यहाँ दिया गया है वो नंबर आपको यहाँ भरना है, जैसे अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको यहाँ 3 नंबर फादर के लिए डालना है। मदर भी अगर गवर्नमेंट सर्विस में 3 नंबर नहीं है तो 8 नंबर आपको इधर डालना है। गार्जियन नहीं है तो उसको डैश लगा देना या NA लिख देना। और यहाँ पर अपनी उनकी एजुकेशन में भी यही करना है, और मंथली इनकम रुपी में फादर मदर की लिखनी है इधर। प्रीवियस अटैम्प्ट अगर SSB में दिए हैं तो वो आपको भरने हैं, और बाकी आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली वो आप टिक कर देना एयरफोर्स के बारे में। और आपने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हैव यू सीन इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन व्हीकल वॉल्वो बस, तो आपको वो बता देना है। हमारे पास एक और फॉर्म आता है इंडेमिटी बॉन्ड। तो इंडेमिटी बॉन्ड में ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको पूरा पढ़ना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, और जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको रखते हुए जो एप्लीकेबल नहीं है उसको ऐसे कट लगा देना है ऊपर। जैसे हुआ इंडिया हैविंग कॉल्ड मी माई वार्ड, तो आपको अगर आप खुद भर रहे हैं ऐसे तो आप ये माई वार्ड को काट देंगे यहाँ से, मी और अपना नाम में से यहाँ पर भरना है। तो इसी तरीके से पूरे को पढ़ करके जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर रखना है, बाकी को काट देना है। यहाँ पर डेट जो एएफएसबी की है वो डालनी है,
SSB, FSB जो भी आपका रहेगा, साइन ऑफ विटनेस अगर आप भर रहे हैं तो अपने डालिए, साइन ऑफ द तो दोनों जगह आप अपना डाल दीजिए, अगर आपके साथ कोई है तो उसके आप यहाँ डाल सकते हैं। तो विटनेस जैसे अगर आपके भाई वगैरह है तो वो डाल सकते हैं। अगर आप वहीं जा कर के फॉर्म भरते हो तो किसी दूसरे कैंडिडेट का यहाँ पर साइन ले सकते हो और उसका नेम और एड्रेस ले सकते हो। अब यहाँ पर भी आपको अपना नाम, एड्रेस और अपना सिग्नेचर करना है, तो ये यहाँ पूरा हो जाएगा, बस इतना ही इसमें करना है। ये वाला फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ये लेके जाना, पहले दिन यूज़ होता है। चांस पैसे तो सारे फॉर्म लेके जाना, लेकिन बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्म आपको वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हो तो लेके जाना, बिकॉज वो आपका, अगर आप फॉर्म नहीं ले जाते हो तो आप नेग्लिजेंस समझी जाएगी, और तो इसलिए सारे फॉर्म लेके जाना, बाकी नहीं तो आपको ये वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सारे पेजेस इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म भरने से पहले, ये इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म है, सो ये पेजेस हैं, सारे फॉर्म भरने से पहले ये सारे इंस्ट्रक्शंस तुम आप लोग पढ़ लेना। एक कोविड का सर्टिफिकेट और होता है, सो कोविड डिक्लेरेशन कुछ इस तरह की होती है, सो ये कोविड डिक्लेरेशन भी पूरी भर लेना, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, ये सारी इस तरह की होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।